झालावाड़ जिले के अंकलेरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरडा में सरपंच और वार्ड पंच के हुए चुनाव में सरपंच पद प्रत्याशी बिंदिया के पति लोकेश ने रिटर्निंग अधिकारी पर संदिग्ध आरोप लगाए। लोकेश ने बताया कि दोपहर बाद विपक्षी समर्थकों ने मतदान बूथ पर पहुंच और अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली करने लगे। इसके बारे में रिटर्निंग अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मतगणना के दौरान दो वोट से विजयी घोषित किए गए प्रत्याशी को सरपंच पद प्रत्याशी बिंदिया की अनुपस्थिति और बिना संतुष्टि के शपथ दिलवाई। ग्रामीण लोगों ने रिटर्निंग अधिकारी पर यह भी संदिग्ध आरोप लगाया कि विपक्षी मतदाताओं को दीवार फांद कर अंदर आने दिया, जबकि मतदान बूथ पर बैठे हुए एक सदस्य को मतदान केंद्र के बाहर जाने के बाद अंदर आने से रोका गया। साथ ही बिंदिया की ओर से शिकायत पत्र लेने में भी मौजूदा अधिकारियों ने करीब 4 घंटे का समय लगाया, जिसे लोगों ने प्रशासनिक की बड़ी लापरवाही बताई। लोगों ने पुनः मतदान कराने की अपेक्षा जताई। झालावाड़ से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। जो यहाँ मस्तराम मीणा पटवारी और आरओ, इन दोनों ने धांधली करी है, हमारे जो वोटर थे उनको आने नहीं दिए और बाकी अदर वोटर को दीवाले फांद फांद के अंदर लिया गया है। जी सर, इसके बारे में आपने किसी को अवगत कराए थे सर? जी, हमने जोनल मजिस्ट्रेट को कहा और उन्होंने ना तो सुनी, उसके बाद भी हम हार गए। उसके बाद भी शपथ पत्र देने के बाद भी हमको 2.5 घंटे एप्लीकेशन देने के लिए आरओ न तो बाहर आया और न जब जो कैंडिडेट जीत गया उसके बाद में हमें एप्लीकेशन ली, उसमें भी बहुत लगभग 4 घंटे लगा। इन प्रशासन की पूरी गलती है। सर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चुनाव जो हुए वो शायद फिर डबल से ही हुए। जी, काउंटर स्लिप कर दो। हाँ बताओ। सुबह 8 बजे से जी मतदान शुरू हुए। जी, मैं भी वहीं मौजूद था। जी, उसके बाद धीरे 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 मतगणना होती गई। जी सर, तारा जी सल्डा के स्कूल में 3 जगह बूथ बनाए गए थे। जी सर, ठीक है। मतगणना चालू हो रही थी, इसके अलावा पुलिस का पूरा प्रशासन था। एंड में 2 बजे बाद जब मैं अंदर था, जी, सारे कैंडिडेट अंदर थे, उस पीरियड में रोशन भाई अंदर थे। जी, वो सारे अधिकारियों से मिल रहे थे। जी, हमारे गांव में मस्तराम पटवारी रह चुका। जी, उस पटवारी को यहाँ लाया गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो एजेंट था जी, जो पोलिंग बूथ 1 में बैठा हुआ था, वो टेबलेट खाने के लिए बाहर आया था, लेकिन उसको अंदर नहीं आने दिया। रोशन भाई के कैंडिडेट दीवारें कूद कूद के अंदर वोट दे रहे थे, लेकिन मेरे कैंडिडेट जो 8 कैंडिडेट बैठे हुए थे, बपौर का जो लास्ट में लेकर आया था, आर ओ साहब से हमने विनती की, आर ओ साहब ने जवाब नहीं दिया। जोनल मजिस्ट्रेट को कह के हमने रोशन भाई से बाहर निकलवाया, लेकिन हमारी पूरी तरीके से चलने नहीं दी। जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतगणना स्टार्ट कराई 9 बजे फिक्स, सारे स्टाफ मिला जुला हुआ था। और उसके बाद जब मतगणना हुई है तो उसमें हमारी 2 वोट से हार हुई है। जी, 2 वोट से हार हुई है, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र तुरंत दिला दिया। हमसे ये नहीं पूछा कि 11 कैंडिडेट सरपंच तुम खड़े हुए कि 11 ही आप संतुष्ट है या नहीं। जी सर, सिग्नेचर नहीं करवाए। जी, उसके पहले शपथ पत्र पढ़ा दिया गया। अब मैं, मेरी वाइफ वहाँ भी नहीं थी, मेरे से पूछा भी नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जी जो सल्डा के अंदर असत्य हुई है। जी, सत्य की विजय हुई है और हमारी जीत हुई है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस बारे में आपने किसी को अवगत कराया है? करा, जोनल मजिस्ट्रेट को बोला है मैंने। जी, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने? कार्रवाई तुरंत वो नहीं किया, हमारा सुनवाई नहीं की। जी सर,